रास्ता काफ़ी ज़्यादा अनइवन है, शॉर्टकट मारने के चक्कर में किधर से किधर भी हम लोग आ गए। So, हम लोग टेंपल पहुंच रहे हैं जिस टेंपल पे हमको जाना था। बर्फ का एरिया है, उम्मीद है भोलेनाथ का टेंपल होगा। सो लेट्स सी। हाँ, काफ़ी कुछ है यहाँ पे एडवेंचर्स के लिए भी, जैसा आप देख सकते हैं यूरोप की किंग, काफ़ी कुछ है यहाँ पे। सामने मंदिर दिख रहा है, कुछ दूर और है तो हम जल्द से जल्द पहले मंदिर पहुँचते हैं, और मंदिर पहुँचने के बाद एडवेंचर्स के लिए काफी कुछ है, काफी कुछ है। ये देखिए बहुत प्यारा सोलांग वैली है ही, बहुत प्यारी यार, रियली अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। काफ़ी ज़्यादा ठंड, जितना ज़्यादा ऊपर पहुँचेंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर माइनस की ओर है। हाँ जी, हम लोग आ चुके हैं तो जैसा कि बस गोप्रो की बैटरी हो चुकी है ऑलमोस्ट लो, टोटली वो डेड हो चुका है, काफ़ी कुछ हमने रिकॉर्ड कर दिया। और वो जो मंदिर अभी हमने पीछे देखा था वो हनुमान मंदिर है, भोलेनाथ मंदिर भी है वहाँ पे, और जहाँ पे बताया जाता विशेषता है कि पूरे वर्ल्ड में आपको कहीं पे भी हनुमान जी अपनी माता अंजनी की गोद में नहीं दिखेंगे, वो दिखेंगे तो सिर्फ यहीं पर दिखेंगे। तो ये खासियत उस मंदिर के भी हम जा रहे हैं जहाँ पर अंजनी माता ने तपस्या क्या हुआ है, वो सीन मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर एक शिवलिंग है, और उससे भी बड़ी बात हमने नंगे पैर चलने के लिए किया है, तो काफ़ी बर्थ में नंगे पैर हम चल रहे हैं।
बहुत ज्यादा थ्रिल और डेयर है ये चीज करना। हाय, हाउ आर यू? वेरी, इट्स अमेजिंग थ्रिल। स्लिपरी भी काफी है, फिसलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। स्लाइड करके जा सकते हैं। राधे राधे, राधे राधे, फिसलते हुए चले जाइए। काफी स्लिपरी है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये रहा वो शिवलिंग, और ये ऊपर देखिए, ये ऊपर से जो बर्फ दिख रही है वो रेरी, वो सीधे नीचे तक। ये देखिए स्नो, देखिए कैसा स्नो इसके ऊपर आ रहा है, इकट्ठा हो रहा है। जय जय भोलेनाथ। ये सामने वही मंदिर है जिसकी मैं बात कर रहा था, भोलेनाथ और हनुमान मंदिर दोनों है। रेली यार, अरे फोटो नाइनटी निकाल पे। इस तरीके से बैठना ज्यादा बेटर है, ये पोजीशन सबसे बेस्ट है यहाँ पर। देख लिया मैं, नंगे पाँव जा रहे हैं, उतरने में थोड़ी दिक्कतें हो जाती है, इसलिए स्लाइड के थ्रू लोग जा सकते हैं। ओम नमः शिवाय, भोलेनाथ की जय। ये देखिए नीचे उतरना, उतरने के लिए कुछ ज्यादा खास है नहीं, इसलिए स्लाइड करके जाना पड़ेगा। हालत काफी खराब हुई है, स्लाइड करके ही जाना पड़ेगा। प्लान चेंज, किसी प्रकार का स्लाइडिंग नहीं क्योंकि बैक पे चोट लग रहा है। बेटर यही है कि थोड़ा ठंड और लगेगा पैरों को, बट इट्स ओके, आराम से उतरा जा सकता है। चढ़ गया आदमी तो उतरने में क्या है। बट रियली अभी तक का लाइफ का मेरा इससे खतरनाक एडवेंचर या फिर जो थ्रिल आप कह सकते हैं, कुछ भी नहीं था। रियली इट्स अमेजिंग यार। वाह, रियली 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 रियली, पता नहीं पैरों का क्या हाल होने वाला है। अमेजिंग, सब भोले बाबा की और हनुमान जी की शक्ति। बस नाम लो, बिगड़ते काम बनाओ। काफी लोग जैसे कि आप देख लो यहाँ पे, जिन्होंने नंगे पैर गए, उन्होंने शूज वगैरह भी यहाँ से लिए हैं। सो हियर इज अवर टीम। हाय हाय, कैसा लगा? बहुत अच्छा, मजा आया, गुड। सो फाइनली पीछे मंदिर था, ये है मेरे साइड में, देखिए कान के पास पे वो मंदिर था, वहां से नीचे आ गया। कोशिश कर रहा था स्लाइडिंग करके नीचे आऊंगा, बट स्लाइडिंग करना भी मेरे लिए काफी ज्यादा टफ हो रहा था, बैक पे पूरा चोट आ रहा था मुझे, इसलिए अभी नीचे आ गए हैं। और इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या क्या एक्टिविटीज हैं, क्या है क्या नहीं है। सच में रियली अमेजिंग, और मनाली सीजन में मतलब कोई जवाब नहीं अदर कहीं का, क्योंकि मैं वो चीज फील कर रहा हूँ, इसलिए वो चीजें मैं आपको बता सकता हूँ। एक छोटा सा ब्रिज मिला है, टूटेगा तो नहीं? नहीं नहीं टूटेगा, आगे बढ़ गया। यहाँ पे बैठी है पूरी टीम, चाय अंडे कॉफी पता नहीं किस किस के इंतजार में यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। जिप लाइन, गर्म गर्म चाय नाश्ता। रियली यार, अगर ऐसी जगह पर अगर ये सारी चीजें हमें नहीं मिलेंगी तब तो आदमी का सरवाइव करना मीन्स नामुमकिन है। और मैगी तो सदाबहार फेवरेट है, और सब चीज बढ़िया है मनाली में। रिटर्न भी होना है हमें, समय काफी हो रहा है। यहाँ तक का जो कुछ भी था मनाली तक का, ये मैक्सिमम चीजें थी जो आपको मैंने ऊपर पे दिखा दिया। ये जिप लाइन्स के लिए यहाँ पे दो ये टावर टाइप के जो लगे हैं, वॉच टावर जैसा है वो हो गया,
ऊपर पे मंदिर था जिसकी हिस्ट्री मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी है कि ऊपर पे जो बर्फ का ही हिमालय जैसा जो शिवलिंग बड़ा सा बन रहा था वहाँ पे माता अंजनी ने तपस्या किया था, हनुमान जी की माता ने, वो चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। और उसके अलावा यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है देखने के लिए, ये अपना स्नो पॉइंट था जिसको अपन शालोंग वैली वगैरह सारी चीज़ें यहीं से रिलेटेड यहीं से सारी जुड़ी हुई हैं। आगे और हम क्या क्या कवर करेंगे हमारे आने वाले कल तक का हमारे पास दिन है, क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे वो चीज़ें मैं आपको सारी जानकारी आपको देते रहूँगा। तब तक के लिए मैं कुछ चाय नाश्ता कर लूँ यहाँ पे, फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो फाइनली चाय नाश्ता वगैरह हो चुका है और उसके बाद हम लोग वापस निकल रहे हैं अपने टेम्पो ट्रैवलर के पास, क्योंकि यहाँ ज़्यादा देर अब रहना मतलब सेफ रहेगा नहीं, स्नोफॉल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके, तो आ गए हम लोग हमारे टीटी में, बस अब यहाँ से अंदर घुसने के बाद अपने को निकलना है यहाँ से, बाकी के लोग आने वाले हैं। तब तक के लिए थोड़ा देर रिलैक्स करके फिर आगे निकलेंगे, जर्नी कंटिन्यू करेंगे।